समंदर पटेल नाम ही काफी है, कुछ इस अंदाज में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जावद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं समंदर पटेल। वो आज जो जनसंपर्क के दौरान जो है चौड़ोल पहुंचे हैं, हमारे साथ वे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जनता के बीच जाकर के किन मुद्दों पे वो जो है वोट की अपील कर जनता से कर रहे हैं। समंदर जी बताइए कि आप जो जनता के बीच जा रहे हैं तो किन क्या मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप हैं, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दो बड़े नेता आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके पास? जावद में पिछले 15 साल से भाजपा के विधायक है और प्रदेश में उनकी सरकार है, 5 साल से केंद्र में उनकी सरकार है। बाकी विधायक जी ने 15 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया है कि वो एक भी कार्य को अपनी उपलब्धि गिना सके। लगातार 15 साल से इस क्षेत्र का शोषण हुआ है, ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ गया है। स्वास्थ्य के संबंध में देख लो, आज जावत से लगाकर सिंगोली तक एक भी शासकीय हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, ना पे वो दवाइयों की व्यवस्था है, ना कहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था है। आज यहाँ का गरीब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की सुविधाओं के चक्कर में अपने कई मौतें हो चुकी है और वो परेशान होता है यहाँ से, क्योंकि या तो अहमदाबाद या उदयपुर के अलावा आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। उसके बाद युवाओं के रोजगार के साधन के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया 15 साल में कि यहाँ कोई ऐसे कोई इंडस्ट्री लाई जाए कि जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसानों को बहुत जो छला गया है, यहाँ पे बांदा डैम, सांता डैम और जनकपुर डैम के नाम पर जब जब भी चुनाव आते हैं, बांदा डैम का 3 बार यहाँ भूमि पूजन हो चुका है और आज तक वहाँ धरातल पर कुछ भी नहीं पाया है, क्योंकि घाटा ऊपर का किसान आज मात्र एक फसल लेकर आज अपने परिवार को भी ढंग से नहीं पाल पोस पा रहा है। अगर वो बांदा डैम बन जाता है तो आज घाटा ऊपर का क्षेत्र आज किसानों को एक अपने परिवार को पालने का एक बहुत साधन हो जाए कि जिससे आज फसल अपनी 2 फसलें किसान वहाँ पर ले सकता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है जो यहाँ की जनता उसको भुगत रही है और जावद की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। और आज आप देख रहे हो मेरे को निर्दलीय के रूप में जो आशीर्वाद और जनसमर्थन मिल रहा है वो आपके सामने है और निश्चित जावद की जनता 28 तारीख को एक नया इतिहास रचेगी। अच्छा, आपने अभी जो है अपने भाषणों में एक चीज़ को बड़ा कोट किया, क्योंकि अफीम उत्पादक इलाका हमारा है, बड़े तादाद में या किसान उसको अफीम को लेकर है। दो बड़ी चीज़ें कहीं ना कहीं खास तौर पे, एक तो पोस्ता के दाम आयात को लेकर जब भी समस्या आती है तो पोस्ता के दाम गिर जाते हैं, दूसरा डोडा चुरा एक जो है खरीदा नहीं जा रहा है और NDPS एक्ट के अंदर जो है कि किसान जो है उसके अंदर बंद हैं, तो इनको लेकर क्या आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं और क्या इसको लेकर सोचते हैं आगे आप? शासन की गलत नीतियों के कारण आज अफीम उत्पादक किसान, क्योंकि अफीम उत्पादक क्षेत्र है, बहुत परेशान हो चुका है, बहुत दुखी है। पिछले 2 वर्षों से शासन ने डोडा चूरा बंद कर दिए, खरीदी बंद कर दी है। आज किसान को उसको जला के नष्ट करना पड़ता है और अगर किसान का थोड़ा बहुत होता है तो उसको NDPS के अंदर बंद कर दिया जाता है और वो 5-5, 7-7 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि वैसे ही कोकिन की मात्रा उसमें कम होती है। तो डोडा चूरा जो NDPS एक्ट के तहत बाहर होना चाहिए। और पोस्ता दाना की बात है, जब भी किसान का जब पोस्ता दाना उसके घर में आता है तो ये अपनी आयात नीतियों के गलत नीतियों के खिलाफ, आयात की गलत नीतियों के खिलाफ टर्की से पोस्ता दाना आयात कर लेते हैं और किसानों को उसका भाव नहीं मिल पाता है, क्योंकि जितनी मेहनत अफीम के अंदर किसान करता है, आज वो अफीम की जब खेती करता है तो अपने जब छोटे बच्चे का जिस तरह से अपन पालन पोषण करते हैं उस तरीके से उसको उस फसल को पालन उसको उस तरीके से इतनी मेहनत करके उसको करता है और जब हाथ में जब उसके आता है तो मालूम पड़ता है कि डोडा चूरा नहीं खरीदा जाता है और जलाना पड़ता है, पोस्ता दाना के भाव कोड़ियों के दाम आता है। अगर मुझे जनता के आशीर्वाद से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो निश्चित में ये लड़ाई भोपाल से लगाकर दिल्ली तक जो भी केंद्र में सरकार रहेगी उसके खिलाफ इस लड़ाई को आवाज़ को उठाऊंगा और प्रयास करूंगा कि किसानों को उनका हक और अधिकार मिले। भाई साहब, आप जो है कहीं ना कहीं धाकड़ समुदाय से बिलोंग करते हैं और धाकड़ समाज कहीं ना कहीं आपके पीछे नजर भी आता है, तो क्या जो है धाकड़ समाज के बलबूते ही जो आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं या और भी कुछ आपने सोचा या किस तरीके से आप मैदान में आए चुनाव? नहीं, बिल्कुल ये कतई नहीं है कि मैं समाज बात को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, जावद विधानसभा धाकड़ बाहुल्य जरूर है, बाकी धाकड़ समाज के साथ साथ मुझे सभी समाजों का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। आप आज देख लीजिए सिंगोली से लगा के जावद तक ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ धाकड़ बाहुल्य नहीं है, बाकी मुझे सिंगोली डिकेन जबकि सिंगोली डिकेन जो है पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र है, बाकी आज मुझे वहाँ एक तरफा जन समर्थन मिल रहा है। मैं सभी समाजों को लेकर चल रही हूँ, मैं समाज की राजनीति नहीं करता हूँ। ये थे हमारे साथ समंदर पटेल, जो कि जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे समाजवाद पर विश्वास नहीं करते हैं और केवल वो धाकड़ वोटों पर ही निर्भर नहीं रहे हैं, वो वरन उनको जो है सभी समाजों का समर्थन मिल रहा है और जनसंपर्क के दौरान अपार जनसमर्थन के माध्यम से वे मानते हैं कि आने वाली 28 तारीख को उनके हक में मतदान जो है यहाँ की जनता करेगी और वे जीत पाएंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन पवन राव शिंदे के साथ वॉइस ऑफ MP के लिए श्याम गुर्जर।